टाइटली पैक होते हैं, हिलने डुलने वाला नहीं। अगर ये मल्टीज चाहे हम इससे आकर मिले, ये मल्टीज चाहे कैसे मिलेंगे, नहीं मिल सकता। इसलिए एक दूसरे से जकड़ कर पकड़े हुए हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हम कस कर टाइटली पैक बनकर रहे। रहा नो चेंज से चेंज बाय चेंज से पैंट साइज एंड फिक्स मॉडल एज। दूसरा लिक्विड द्रव, लिक्विड हैव ए डिफरेंट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव द लिक्विड शेप, दे मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड आर लूजली पैक्ड एंड कैन मूव, दे कैन फ्लो। अब दूसरे पिक्चर पर आते हैं, मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट टाइटली पैक्ड, आर नॉट टाइटली पैक्ड, दे आर लूजली पैक्ड, ढीला वाला पैक। अब देखिए इस मॉलिक्यूल्स के और इस मॉलिक्यूल्स के, इस मॉलिक्यूल्स में देखो एक जगह है, स्पेस है, गैप्स। ये वाला मॉलिक्यूल इससे आकर मिल सकता, ये वाला मॉलिक्यूल इससे आकर मिल सकता, एक दूसरे से मिल सकता, इसलिए इसका नो फिक्स पॉइंट साइड, नो फिक्स एंसर का, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। इसलिए एक गिलास पानी को जब जमीन पर गिराते हैं तो बह जाता, एक जगह एकत्रित होकर नहीं रहता। एक जगह एकत्रित हो तो कब रहेगा, जब उसको किसी कंटेनर में डालते हैं। एक गिलास पानी को एक जग में डाल दिए, वो जग की आकृति ले लेगा, और जग वाले पानी को बाल्टी में डाल दिए, बाल्टी का आकृति ले लेगा। तो ये इसमें कोई वॉल्यूम नहीं रहेगा, लेकिन जिस कॉन्टेनर में जाएगा उसका वह शक्ल सूरत नहीं। कारण है इसके मॉलिक्यूल्स है आर नॉट टाइटली पैक्ड, दे आर लूजली पैक्ड। तीसरा गैस, गैस हैज नो सेपरेट साइज ऑफ इट्स ओन, गैस इन कर गैस टेक द शेप ऑफ एनी कंटेनर इन व्हिच इट्स फिल्ड। गैस का कोई शेप शकार का खाल नहीं होता, सेपरेट साइज होता, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर क्लियरली, देयर मॉलिक्यूल्स आर क्लियरली, इसके मॉलिक्यूल्स आजाद हैं। इसको जब रखा जाएगा कोई बंद कंटेनर में इसको फिल किया जाए, भरा जाए। अगर खुली कंटेनर में रहेंगे तो ये रहेगा नहीं, बल्कि ये अदृश्य हो जाएगा। ऐसे भी गैस अदृश्य है, हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, और वो आसानी से उड़ जाते हैं। इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आर नॉट टाइटली पैक्ड, नॉट लूजली पैक्ड, दे आर फेयरली आजाद है। केवल वाले फिल दी कंटेनर, और उसको कंटेनर बंद कंटेनर में उसको फिल किया जा सकता है। इसलिए इसका नो सेपरेट साइज, नो डिफिनिट सेपरेट साइज, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर फेयरली यानी आजाद है। ये हुआ तीनों, सॉलिड, लिक्विड और मॉलिक्यूल्स। अब उसके बाद आते हैं चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर चेंज। सम मैटर आर चेंज टू वन टू अनदर सेम चेंज मैटर, जैसे आइस, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, अ वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर, अ वाटर कन्वर्ट इनटू आइस। पानी को लीजिए ना, पानी में तीनों उपयुक्त गुण है, लिक्विड में है तो वाटर, सॉलिड में है तो आइस, और गैस में है तो वाटर वेपर, ये तीनों। तो कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वो परिवर्तन करता है, चेंजिंग करता है, तो उसके लिए दो प्रोसेस हो सकता है, चाहे गर्म करके या ठंडा करके, हीटिंग या कूलिंग, यही दो अवस्था पर से इस मैटर की स्टेट को चेंज हो सकता है। पानी आइस लिया, आइस को रख दिया हवा में, पिघल गया, पिघलने के बाद यह वाटर बन गया, वाटर को गर्म किया, वाटर वेपर बन गया, वाटर वेपर को कूल किया, वाटर बन गया, वाटर को कूल किया, आइस बन गया, स्टेट ऑफ मैटर। वही में आता है एवोपरेशन, जिसको बोलते हैं बाष्पीकरण, बाष्प
water change into water vapor. And if the water change into the water vapor, and the water को जब गर्म करते हैं और वाटर वेपर में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम इवोपरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, इवोपरेशन। यानी वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। उसके बाद आता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूशन। अब इसको समझने के लिए इस एग्जांपल को देखेंगे, एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब कॉम्बिनेशन होता है, मिलता है, तो सॉल्यूशन का निर्माण होता है। इसके लिए शुगर और पानी को लेते हैं, यानी सम स्पून ऑफ शुगर एंड वन ग्लास ऑफ वाटर, है ना, शुगर डिजॉल्विंग वाटर। शुगर को पानी में डालते हैं, शेक करते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ये शुगर डिजॉल्विंग वाटर। चीनी पानी में घुल जाता है, तो जो सॉलिड मटेरियल था वो सॉलिड हो गया, जो लिक्विड मटेरियल था वाटर। कहा जाता है वाटर इज ए वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेंट। पानी एक ऐसा तत्व है जो अधिकांशता पदार्थ को अपनी आगोश में, अपने आप में घुला लेता है, मिला लेता है। तो शुगर को हमने लिया सॉलिड, सॉल्यूट, पानी हो गया सॉल्वेंट, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो यहाँ हो गया शुगर वाटर। अब इसी प्रकार आप ले लिए साल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू साल्टी वाटर। नमक लिया, नमक को पानी में डिजॉल्व किया, साल्टी वाटर नमकीन पानी हो गया, नमकीन पानी हो गया। तो सॉलिड जो साल्ट था वो सॉल्यूट था, वाटर सॉल्वेंट हुआ। इन दोनों को मिलाने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन यानी हल समीकरण। वो हो गया तुम्हारा साल्टी वाटर। इस चैप्टर में इतना ही था। चलिए चैप्टर यहाँ पर आज ना खत्म होती है। चैप्टर 9 सॉलिड एंड लिक्विड, और जो है इसे अच्छी तरीके से और पढ़ने की कोशिश करें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।